हर मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह। बहुत बड़े आलिम हुजूर फकीहुल नफ्स आलिम दीन हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है, जो खास तरीके पर बहुत अदब के साथ मगर पूरी सराहत के साथ मैं अपनी उलमा बिरादरी से कहना चाहता हूँ। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में शरीक हुए थे, उनके मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह भी शरीक हुए थे। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके मक्के मुकर्रमा तशरीफ ले गए, ये हिंदुस्तानी रहे और जंग में शिरकत की वजह से गिरफ्तार किए गए। अंदेशा ये था कि उनको फांसी हो जाएगी, लेकिन उनके मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत ऊंचे बुजुर्ग थे, बहुत ऊंची शख्सियत के मालिक थे, अल्लाह के यहाँ उनका बहुत ही खास मकाम था, जब लोगों ने उनसे मक्के मुकर्रमा में ये कहा कि अंग्रेज आपके मुरीद व खलीफा मौलाना रशीद अहमद गंगोही को फांसी दे देंगे, वो जेल में गए, तो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को एक जोश आया, एक कैफियत उनके ऊपर सवार हुई और उन्होंने उस कैफियत में कहा था कि दुनिया में वो ताकत नहीं पैदा हुई जो रशीद अहमद को फांसी दे सके। और उनकी वो बात पूरी हुई। एक महीने की जेल काटने के बाद हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को जेल से रिहा कर दिया गया। जो मैं आपको सुनाना चाहता था वो हिस्सा ये है कि हजरत गंगोही इतने बड़े आलिम, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े अल्लाह वाले, इतने बड़े शेख, इतने बड़े मुसन्निफ, इतने बड़े फकीह, वो जेल गए। वहां आम मुसलमान भी जेल में थे। उन्होंने जेल के दिनों में एक आम मुसलमान कैदी को कुरान मजीद सिखाना शुरू किया, कुरान मजीद की तालीम दे रहे हैं, कुरान मजीद दुरुस्त करवाते हैं। एक महीने की मुद्दत वो जेल में रहे, उसके बाद रिहाई का फैसला हो गया। जिस दिन उनकी रिहाई का फैसला सामने आया तो और लोग तो रिहाई का फैसला सुनकर खुश होते हैं, हो सकता है उन्हें भी अल्लाह ताला की इस नेमत पर खुशी भी हो, लेकिन जो मुसलमान आम मुसलमान एक आम कैदी उनसे कुरान सीख रहा था उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हजरत आप तो जेल से रिहा होकर चले जाएंगे, मेरा कुरान अधूरा रह जाएगा। तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन कहता है कि कुरान अधूरा रहेगा, जब तक तेरा कुरान खत्म नहीं होगा मैं भी जेल छोड़कर नहीं जाऊंगा। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदला है न बदलेगा।